हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब एकत्रित हुए हैं आज। आज का जो चर्चा है, विषय है, वो डेमीगॉड्स का है, देवताओं का है, जो पिछले बार भी हमने तीन सत्रों में देखा है। और देवता कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और माफ़ करिएगा थोड़ा सा, अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांडों में भी जो देवता हैं वो ये हमारे से जीव होते हैं। तो सब एडमिनिस्ट्रेशन भगवान की तरफ से देखते हैं और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जीवों को भगवान के पास जोड़ने का काम जो है ये देवता करते हैं। तो देवता जो है, मैंने आपको पहले भी समझाया, ये जीव तत्व हैं। जीव तत्व यानी जो इसको एक मिनट माइक लगा लेता हूँ। जो जीव तत्व हैं यानी हमारे जैसे जो भगवान के अंश हैं, जीव भी भगवान के अंश हैं, तो इनको देवताओं का स्थान मिल जाता है ताकि ये, हरे कृष्णा। नवीन रुद्र मेरे कलीग थे कंपनी में, मेरा लेक्चर सुन के भी इंट्रोड्यूस हो रहे, थैंक यू। तो जो जीव तत्व हैं, ये जीव तत्वों का काम होता है कि वो भगवान के साथ अलाइन करें। इनमें जो ज़्यादा उच्च चेतना के लोग होते हैं वो देवता बन जाते हैं और वो देवता लोक में रहते हैं। लेकिन कब तक रहते हैं, तो मैंने आपको बताया 36,000 साल का इनका आयु होता है। कोई भी, ये मटीरियल वर्ल्ड में कोई भी जगह परमानेंट नहीं है, सब कुछ जो है क्षणिक है। तो वो परमानेंट नहीं होने के कारण उसके बीच में आप उतना ही आयु जी सकते हैं और उतना ही भोग सुख कर सकते हैं जितना उस क्षण में दिया गया है। तो ये 36,000 साल हमारे हिसाब से है, उनके हिसाब से, रिलेटिविटी के हिसाब से वो केवल 100 साल है। तो कल मैंने आप सबको एक सवाल पूछा था, आप में से बहुत लोग अभी आए हैं, हरे कृष्णा सब लोग, ओंकार, राघव, पी राघव जी, रोहित सलूजा खुद भी ये बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं अपने फेसबुक पे, हरे कृष्णा। तो कल मैंने एक सवाल आप सबसे पूछा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये जो नलकुबेर मणिग्रीव हैं, नलकुबेर मणिग्रीव जो थे, जो भगवान के दरबार में यानी उनके आंगन में वो पेड़ के रूप में थे, यमल अर्जुन के जो पेड़ थे उस पेड़ के रूप में ये दोनों पेड़ थे, इनको श्राप मिला था नारद मुनि से, क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था, मदोन्मत्त हो गए थे और फिर ये लोग स्त्रियों के साथ नग्न रूप में थे और तो वहाँ से नारद जा रहे थे और इन्होंने थोड़ा वो भी नहीं किया, शर्म लिहाज भी होता है, वो भी नहीं किया। तो इमीजिएटली नारद मुनि ने श्राप दिया, जाओ तुम जो है पेड़ बन जाओगे। तो उन देवताओं को पता चला कि अरे हमसे गलती हो गया, घमंड में हमने क्या कर दिया। वो उतरे और उन्होंने नारद से माफ़ी मांगा, मुझे कोई और कोई मार्ग बताइए, मुक्ति का मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा जन्म जो है भगवान के आंगन में होगा, जिससे क्या होगा, आज जब भगवान स्वयं आएंगे, कृष्ण अपने लीला करेंगे, तो आप उनको देख सकते हो, उनकी बाल लीलाओं को, और वही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो ये एक मिनट, ये मेरे को लगता है कमेंट्स का जो, हाँ, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये इसका उद्धार तुम्हारा केवल भगवान ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इतना करने के बाद अब ये दोनों पेड़ तो हो गए, तो मैंने आपको ये सवाल पूछा कि भगवान ने उनका उद्धार तो कर दिया, यानी उनको उस पेड़ के दामोदर लीला में जब पेड़ उखड़ गए तो दोनों पेड़ से देवता बाहर आए, प्रणाम किए, जबकि ग्वाल बालों ने कहा भी, गोप बालों ने कहा भी कि हरे कृष्णा, जस्ट एक मिनट दीजिए, फ़ोन करना, पढ़ने आयो, हरे कृष्णा, हमारे एक टीचर वापस घर जा रहे हैं। तो एनीवेज, तो ये जो देवी ये जो नलकुबेर मणिग्रीव थे, ये लोग प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम किए और निकल गए। जब निकल गए तो हमने पूछा कि सभी असुर तो भगवान के धाम गए, सब असुर अगर भगवान के धाम गए तो ये तो देवता थे, ये तो भगवान के धाम ऐसे ही जाने चाहिए, तो ये स्वर्ग में क्यों गए? तो इसका जवाब सुनिए, इस एपिसोड को थोड़ा यहाँ रखिए, एक दूसरे एपिसोड में आते हैं। गोपाल चंपू नाम का जो ग्रंथ है,
ये जीव गोस्वामी ने लिखा है, और इसमें वो नरेशंस हैं जो गोलोक में होते हैं। गोलोक में भी राधा और कृष्ण और कृष्ण के बाल लीला जो अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान करते हैं, ये कथा दो लोग करते हैं, स्निग्धकांत और मधुकांत। तो स्निग्धकांत और मधुकांत दोनों भी बैठते हैं और रोज़ शाम को, रोज़ एक समय में वहाँ गोलोक के सारे निवासी बैठते हैं और कृष्ण की लीला सुनते हैं। बताओ क्या किया था इसने उस वाले ब्रह्मांड में, क्या किया था बताओ, हमको बहुत रुचि है। तो दोनों बैठते हैं और दोनों बैठते हैं और सुनते हैं, जब दोनों बैठते हैं सुनते हैं तो सभी ललिता, विशाखा, राधा रानी, सारी गोपियाँ एक साइड होती हैं, सारे ग्वाल बाल, सारे नंद बाबा, ये बड़े लोग एक साइड होते हैं, ये सब एक साइड होते हैं और सब सुनते हैं। कृष्ण बलराम भी बैठ के अपना कथा सुनते हैं। जैसे भगवान राम की, इसमें आपने देखा है कि प्रभु राम जब रामायण सुन रहे थे लवकुश से, तो वो भी सुनते सुनते नीचे आ गए और सुनते सुनते इतना मग्न हो गए कि उनके साइड वाले जो थे, जो उनके साइड में जहाँ वो आके नीचे बैठ गए ऊपर से, तो उनके पाँव से धक्का लगा, तो बोलते हैं भैया थोड़ा आराम से, हमको कथा सुनने में डिस्टर्ब मत करो। वो ये भूल गए कि जिनका कथा सुन रहे वही बैठे, लेकिन वो भी इतने मग्न थे। तो हरि कथा अनंता कहते हैं, भगवान का कथा जो है वो अनंत है। तो यहाँ पे भगवान जो हैं वो इन दोनों को मुक्त कर दिया, अब ये निकल गए। अब हरि कथा में ये दोनों स्निग्धकांत और मधुकांत लीला बता रहे थे, स्टोरी ध्यान से सुनिए। और जनरली गोपियों का आदत होता है मजाक करना, तो ललिता, विशाखा, ये लोग गोलोक में जो एज है आपका वो वही रहता है, कृष्ण 16 साल के उम्र के हिसाब से हैं, बाकी भी गोपियाँ तरुण हैं, उस हिसाब से ही रहता है। नवयौवनम च है, वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापा इस शरीर को होता है, ये एजिंग इस शरीर को है, उस शरीर को नहीं, वो सच्चिदानंद शरीर है, हमारा असली स्वरूप वो है, इसलिए उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो जो वहाँ गए और दोनों कथा करने लगे कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, फिर ये हुआ, फिर दामोदर लीला बोलने लगे कि भगवान ने दामोदर लीला किया और इस प्रकार से पूरे पेड़ को गिरा के उन्होंने सबको उद्धार कर दिया, उन्होंने सबका उद्धार कर दिया। तो ठीक है, लीला खत्म हो गया, सब लोग हरी बोल करके सब लोग चले गए। ध्यान से सुनिए, इन्होंने भी वही कहा कि ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों स्वर्ग चले गए। असली में ये दोनों बदमाश थे, इन्होंने ऐसे ऐसे हरकतें की थी, ये जो दोनों नलकुबेर मणिग्रीव थे, इन्होंने बदमाशी की थी, तो इनको स्वर्ग भेज दिया है ऐसा बताया। ध्यान से सुनिए, तो ललिता आती है वहाँ पे, ललिता जो है राधा रानी की सखी हैं, जो भक्त हैं लोग जानते हैं ललिता सखी के बारे में। तो ललिता सखी आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कथा ख़त्म होने के बाद, स्निग्धकांत और मधुकांत बैठे थे नज़दीक आके बोले, अरे स्निग्धकांत मधुकांत, एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। बोले क्या? बोले ये सब तो देखो, पूतना भी यहीं बैठी है, पूतना जो लीला की वो यहाँ बैठी है, उसका उद्धार भगवान करके अपने धाम में ले आए, ये सारे अघासुर बकासुर सब आ गए, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये दोनों वैकुंठ ना आए हों, वो हैं कहाँ अभी? तो ये दोनों ने जवाब दिया, ललिता तू जब जानती है तो क्यों हमारी इज्जत निकालती है? आपको समझा, ये जो स्निग्धकांत मधुकांत थे यही वो दोनों थे। तो एक्चुअली ये भगवान का दर्शन करके स्वर्ग में गए, वहाँ स्वर्ग में भगवान की लीला का गुणगान किया और फिर वहाँ से वो भगवत धाम गए। हरे कृष्णा, ये जस्ट कल का आंसर था, ये मैंने आप सबसे पूछा था। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही मतलब तत्परता से, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर जवाब दिया, किसी ने मैसेंजर पर जवाब दिया, किसी ने पर्सनली कॉल करके भी जवाब दिया, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे को क्या होता है, अंदर से अच्छा लगा क्योंकि आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे तो मेरा ही चेहरा दिखाई देता है, वहाँ से कोई दिखाई नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डाल देता हूँ। तो आइए, आज हम देवी देवताओं का जो विषय चल रहा था, इसमें हमने महादेव जी का, पार्वती जी का, दुर्गा जी का हमने चिंतन किया, थोड़ा लक्ष्मी जी का हम लोग चिंतन करें, सरस्वती जी का, गणेश जी का कुछ चिंतन हम लोग करें, और फिर उसके बाद इनका भगवान से संबंध समझें, और ये समझने के बाद हम सब जो हैं इस विषय को आज मैं विराम देने का प्रयास करूँगा। और आज लेक्चर के एंड में हम लोग श्री सूक्त गाने का प्रयास करेंगे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो लक्ष्मी जी जो हैं, इनको कहा गया है अनपायिनी, 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 ये जो श्लोक है ये आपको भागवतम में
छठे स्कंद के 19वें अध्याय के 10 से लेके 15 श्लोक तक जो है वो लक्ष्मी जी का पूरा वर्णन है, ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, वैसे हम भी कुछ पार्ट उसमें से पढ़ेंगे। तो मध्वाचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य जो हैं वो आप उडुपी कृष्ण, अगर आप गए हैं उडुपी कृष्ण, तो मध्व संप्रदाय का वो गढ़ है श्रीपाद मध्वाचार्य, वो स्वयं हनुमान जी भी माने जाते हैं, कई बार उनको पवन भी माना जाता है, वो स्वयं व्यासदेव के पास अपने निर्णयों को रख के उधर से अथॉरिटी लेके उन्होंने प्रीच किया, उन्हीं मध्व संप्रदाय के हम फॉलोअर्स हैं। और मध्व में हम लोग गौड़ीय भाव भी है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है विप्रलंब भाव, उसके हम फॉलोअर्स हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मध्व में जो तात्पर्य निर्णय दिया गया है, तो मध्वाचार्य कहते हैं कि मध्व का कहना है कि जो आश्रय लेता है वो जीव ही होगा। तो उनका कहना है कि लक्ष्मी जी जो हैं ये जीव तत्व हैं, ऐसा इनका मानना है। वैसे तो कैटेगरी में अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ है, शक्ति में तो तीन ही है, विष्णु तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व। शक्ति तत्व यानी शक्ति फिलॉसफी कह सकते हैं, शक्ति कोई तत्व नहीं है। जैसे कल भी मुझे किसी ने पूछा शक्ति तत्व समझाइए, तो शक्ति तत्व समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शक्ति एक कैटेगरी है, तो भगवान की शक्ति है ना, वो अलग एक कैटेगरी में आ जाता है। तो तत्व तीन ही हैं, जीव तत्व, शंभु तत्व और विष्णु तत्व। तो लक्ष्मी जी को जीव तत्व में है कि लक्ष्मी जी जो है विष्णु तत्व में है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे भगवान है तो उनकी अंतरंगा शक्ति है, लक्ष्मी जी जो हैं वो अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान से कॉन्जुगल लव यानी भगवान से प्रेम में वो जुड़े हुए हैं। और उनकी ऐसा कह सकते हैं कि वो इस संसार में जैसे भगवान विस्तारित हैं, वैसे ये भी विस्तारित हैं। तो यहाँ पे ये अनपायिनी ये शब्द यूज़ किया है लक्ष्मी जी के लिए। तो मधु कहते हैं कि नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी आश्रय लेती हैं इसलिए उनको जीव तत्व में गिना गया है। परंतु बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण भी पहले मधु स्कॉलर थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के संपर्क में आते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके गुरु हुए, इनके संपर्क में आके इन्होंने तत्व ज्ञान को, आज भी जो गोविंद भाष्य है वो इन्होंने ही संकलन किया, वेदांत सूत्र पे जो हमारे गौड़ीय लोगों का भाष्य है वो उन्होंने ही संकलन किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रमेय रत्नावली करके एक ग्रंथ है उसमें से रेफर करते हुए लक्ष्मी को विष्णु तत्व समझाया है। तो उनका कहना है कि जैसे वो एक श्लोक है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ, मैं आपको वो श्लोक दे दूंगा तो हो सकता है आपको बहुत काम है। विष्णु पुराण से भी आता है ये श्लोक, आएगा वर्स नंबर छठे स्कंद का, भागवत के छठे स्कंद का 19वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते हैं। वो कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, नित्यैव स जगन माता विष्णु श्री अनपायिनी यथा सर्व गतो विष्णु तथैवम तथैवयम द्विजोत्तमा विष्णु स्यु शक्तिस्तिश्रस ताशु या कीर्तिता परा सैव श्रीस्तद अभिन्नेति प्राह शिष्यान प्रभुर महान। ये विष्णु पुराण से भी आता है और ये प्रमेय रत्नावली में भी कोटेड है। तो कह रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी इज द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लक्ष्मी जो है वो हमेशा भगवान की शाश्वत रूप से कंपेनियन है या उनकी संगिनी है। एंड देयरफॉर शी इज कॉल्ड अनपायिनी, जो कभी उनको छोड़ के नहीं, उनके साथ ही रहती है। शी इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन, सारे संसार की वो जननी है। अब एक देखिए, कल भी हमने देखा कि महादेव और पार्वती को जननी कहा गया है, फिर यहाँ विष्णु और लक्ष्मी को जननी कहा गया है, परव्योम में राधा और कृष्ण को जननी कहा गया है। तो जनन असृजन यानी जहाँ से क्रिएशन होता है, तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो लोग ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इंजीनियर हैं एक्चुअली। अच्छा, जब आपके घर पे जो आपके पति हैं घर बनाते, तो आप कहते हैं मेरा पति सृजन करता है, बच्चों को लगता है माता पिता से मैं आया हूँ, और माता पिता जानते हैं कि हम हमारे माता पिता से आए, वो जानते हैं हम भगवान से आए, वो जानते हैं महादेव से आए, महादेव कहते हैं हम वहाँ से आए, करते 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 कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो कह रहे हैं कि वो भी अनपायिनी है, शी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन, एज लॉर्ड विष्णु इज ऑल परवेडिंग, जैसे भगवान विष्णु सब जगह विराजमान है, हिज स्पिरिचुअल पोटेंसी मदर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो उनकी पोटेंसी है, इज ऑल्सो ऑल परवेडिंग, ये भी सब जगह विराजमान है।
लॉर्ड विष्णु हैज थ्री प्रिंसिपल पोटेंसीज, भगवान विष्णु में तीन महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एंड मार्जिनल, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु हैज एक्सेप्टेड पराशक्ति द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एज बीइंग आइडेंटिकल विद द लॉर्ड, दस शी इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज द इंडिपेंडेंट विष्णु तत्व। इधर कहा गया है कि भगवान के समान ही माँ लक्ष्मी है, तो इसलिए उनको भी इंडिपेंडेंट बट विष्णु तत्व ही माना गया है। तो ये विष्णु पुराण में और एक आता है प्रमेय रत्नावली में, और एक कमेंट्री में एक आचार्य लिखते हैं, वो कहते हैं ऑल दो सम, बड़ा श्लोक है, मैं श्लोक नहीं गाऊंगा, वो कहते हैं ऑल दो सम अथॉरिटेटिव वैष्णव डिसाइपलिक सक्सेशन काउंट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अमंग एवर लिबरेटेड एंटिटीज। वो कहते हैं कि कुछ वैष्णवगण कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो सदैव ही मुक्त हो, कभी बद्ध नहीं होगी, लेकिन वो जीव तत्व है ऐसा मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अकॉर्डिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ विष्णु पुराण हैज डिस्क्राइब्ड लक्ष्मी एज बीइंग आइडेंटिकल विद विष्णु तत्व। द करेक्ट कंक्लूजन इज दैट डिस्क्रिप्शंस ऑफ लक्ष्मी एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम विष्णु आर स्टेटेड व्हेन एन इटर्नली लिबरेटेड लिविंग बीइंग इज इम्ब्यूड विद द क्वालिटी ऑफ लक्ष्मी, दे डू नॉट पर्टेन टू मदर लक्ष्मी द इटर्नल कंसर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इनका कहना है कि अगर कोई मुक्त भी हो जाए, तो लक्ष्मी नहीं बन सकता, इसलिए लक्ष्मी जो है उनको विष्णु तत्व में रखा गया है। तो अभी आपको समझ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट ये विषय है ना। कई बार लोग तत्व को नहीं जानते और कमेंट्री करते हैं, कई बार मैंने कई कथाकारों को देखा है, कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि आजकल कोई कथाकार हैं जो कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम जो हैं वो अरे इनका कहीं अपने द्वारका में ही कुछ नहीं हुआ, ये यहाँ आके क्या करेंगे, मतलब ये भगवान ने धर्म की स्थापना की ही नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, और वो कह रहे हैं नहीं द्वारका में ही उनके बेटी अय्याश थे और अब बलराम जी जो है वो सोम पान करते रहते थे लीकर का। तो ऐसे एक चीज़ बता दिया है, पहली बात वो द्वारका छोड़ो, ये जो जैन मुनि होते हैं ना, जैन मुनि छोड़िए, गांधी जी जो थे ना हमारे, उनको भी कृष्ण समझ में नहीं आए। गीता हाथ में लेके आप पकड़ रहे हो, पूरा देश बनाने के लिए गीता हाथ में पकड़ के उल्लू बना दिए देश को, और कृष्ण क्या बोला वो समझ में नहीं आया, तो तत्व तो मालूम नहीं है। तो ये जो कथाकार होते हैं इनको तत्व नहीं मालूम होता, ये लोग का क्राउड का सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके अपने एंड में कभी कभी ज़्यादा फॉलोअर्स बनने से भी आदमी जो है उसका मति भ्रष्ट हो सकता है, और ये उसका प्रमाण है। कृष्ण कौन है समझिए, कृष्ण स्वयं तो वो गोपियों का वस्त्र चुराए, वो तो वो उधर छोड़िए द्वारका का, वो व्रज में ही इतना कर दिए कि आप उसको मतलब भगवान नहीं मानेंगे तो भी वो कहेंगे हम आप अगर मॉरल दृष्टि से देखो तो भगवान को आप नहीं मानिएगा, लेकिन आपको ये समझना है कहाँ वो कौन सी लीला करके क्या करके गए, ये समझना जरूरी है। द्वारका जो है उसमें भगवान जो बलराम जी पीते हैं उसको बोलते हैं वारुणी, क्या बोलते हैं वारुणी, और ये वारुणी ये सड़े हुए फलों का लीकर नहीं है, वारुणी ये स्पिरिचुअल बेवरेज है, ठीक है, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा, भगवान ने अपने द्वारका में सभी को वास दिया, सभी जीव तो भगवान के हैं, तो इसका कोई गारंटी थोड़ी है। इससे प्रभु भगवान प्रूव कर देते हैं कि लीनिएज से कुछ नहीं होता, आपके आत्मा का लीनिएज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं किसी कुल में पैदा हुआ हूँ तो स्वाभाविक है उस कुल के कुछ गुण मुझ में आएंगे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है अगर कि मैं जैसे विश्वामित्र मुनि थे क्षत्रिय थे लेकिन उनको वही ब्राह्मण बनने की इच्छा हो गई, उन्होंने तपस्या किया प्राप्त किया। जबलम मुनि था वो वेश्या का पुत्र था लेकिन वो आके बहुत बड़े ऋषि बन गए, सका वो अभी हम उनका जबल उपनिषद पढ़ते हैं। तो व्यक्ति जो है ये टोटली अलग होता है, और भगवान उस दर्शन को धर्म कहते हैं। ये धर्म की व्याख्या समझिए पहले, हाँ अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन कथाकार के बहुत सेंटिमेंटल फॉलोअर होंगे और डिमांड टाइम पास करेंगे, लेकिन यही सत्य है। भगवान के तो आप भी जीव हैं, अरे आप भगवान के नाम पे कथा करके बकवास कर दो फिर भी आपको जिंदा रखा है, सोचिए आप उन्हीं के नाम पे खा रहे हो कमा रहे हो चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हो, और अगर आप चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हो तो आप कौन से वारुणी दारू पी रहे हो भगवान जाने, कथा तो आप कर देते हो। अभी भी देखिए क्या होता है ना, भक्त भक्त होता है और मिश्र व्यक्ति मिश्र होता है, मिश्र यानी मिक्स्ड भक्त होते हैं, देवता भी कभी कभी मिक्स्ड भक्त होते हैं, इनमें भी देखिएगा कि मिक्स्ड होता है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ओडिशा में एक भक्त थे, एक गायक थे, बहुत सुंदर गायक थे, ये इतना अच्छा गाते थे इतना अच्छा, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के लिए गाते थे, केवल जगन्नाथ जी के लिए गाते थे। और आप में से बहुत सारे ओडिया डी ओटी को होंगे तो उनका नाम बता सकते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ,
वो इतना अच्छा गाते थे कि राजा बोला रहे उसको बुलाओ मेरी स्तुति गाने के लिए, इतना अच्छा आवाज में गाता है। तो उसको राजा का ऑफर आया कि इतना इतना सोने की मुद्राएं दी जाएंगी राजा के लिए गाओ। वो हाथ जोड़ लिया, बोलते मेरा तो एक ही मालिक है जगन्नाथ, ये मुझे खिलाता है पिलाता है, तो मैं इसके सिवा और किसी के लिए नहीं गाऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। तो बोले जानते हो राजा मृत्यु दंड दे सकते हैं, बोले वो जो दें। तो फिर राजा खुद आया, देखा कि इतना बड़ा भक्त है, तो उसको माला माल कर भी दिया और बोला नहीं आज से मैं भी जब तुम गाओगे तुम्हारे पीछे बैठ के भगवान की स्तुति सुनूंगा। तो ये हो गया शुद्ध भक्त। अब मिश्र भक्त जो गायन में इंटरेस्ट रखता है और भजन को माध्यम बनाता है, ये फर्क होता है। कुछ लोग गाना को शुरुआत में गाते हैं और लागे लगन आहा, उसको आहा में इंटरेस्ट है, वो मीराबाई के गाने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर आगम जी कह रहे जयदेव गोस्वामी, तो पता नहीं एग्जैक्टली जयदेव गोस्वामी का तो अलग लीला है, शायद ये भी हो सकता है, तो मैं चेक करूंगा। जयदेव गोस्वामी का अपना सॉन्ग है, हो सकता है राजा ने उनको उसके लिए नहीं बुलाया था। जयदेव गोस्वामी का जो लीला उसमें अलग स्टोरी है उनका, राजा ने उनको जिसके लिए बुलाया था, हो सकता है वो भी, चेक करता हूँ मैं, मेरे को कन्फर्म नहीं है। तो वो जो गाते हैं लोग ऐसी लागी लगन, वो आए थे एक बार झूमे, तो हमारे ड्यूटी मिले थे, प्रभु जी हम लोग भी गाते हैं, हमको पता है ना आपका सुरीला आवाज़ कैसे, बोलते आप लोग सुरीला आवाज़ नहीं निकल सकते क्योंकि मैं जो लेता हूँ उससे सुरीला निकलता है। तो लागी लगन से उनको लगन नहीं लगता, उनको पैसा चाहिए, गाने का एक मॉड्यूलेशन होता है उसमें उनको आनंद है। कई बार मंदिर में कोई ड्यूटी मृदुंग बजाता है तो उसका ध्यान भगवान की सेवा से ज़्यादा इधर उधर के बैठे हुए लोगों में रहता है कि मेरे को कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अभी एक गायिका है, बहुत अच्छा भजन से चालू किया, बंगाली भजन भी गाया, मैथिली भजन भी गाया, उन्होंने मराठी भजन भी गाया, और फिर कल उनका कोई मैंने वीडियो देखा उसमें वो टाइटैनिक का गाना गा रहे हैं, एंड माय हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन। मैंने बोला बाप रे बाप, ये कहाँ से बच्ची को फंसा दिया, ये बच्ची अच्छे से गा रही थी, अच्छे से भजन कर रही थी, लोग इसको लाइक भी कर रहे थे, अब ये ऑन एंड ऑन नहीं है, घसरेगी नीचे, दूसरी दुनिया में लेके जा रहे हैं लोग तुम्हें। तो कई बार हमारे कथाकार होते हैं इनको ये पता नहीं कि सिद्धांत का जो पकड़ है वो छोड़ना नहीं चाहिए। बलून कितना भी ऊपर उड़ जाए, पतंग कितना, डोरी आपके हाथ में होना चाहिए, छोड़ मत दीजिए, नहीं तो फिर आप उड़ जाइएगा, गायब हो जाइएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है। अक्षय वाइकर अभी कमेंट करें मृदंग क्योंकि वो बजाते हैं। अंकित नाइक जी करें कि तिरुपति में एक भक्त थे अन्नमलाई, उनको भी ऑफर आया था। हर एक भक्त की परीक्षा होगी, आप में जो अच्छा गुण है वो लोग गुण को आपके भगवान की सेवा से अलग करने का प्रयास करेंगे। तो हमको ये ऐसा नहीं समझना चाहिए, भगवान के जो बच्चे थे उनके बच्चे तो असुर भी थे, हम भी तो भगवान के पुत्र हैं, तो इस जन्म में किसी का निमित्त होता है तो भगवान के पुत्र के रूप में आता है, लेकिन उसको अथॉरिटी मानने का जरूरत नहीं है। भगवान की एक्चुअल अथॉरिटी है उनके शिष्य, उनके तत्वों को समझने वाले लोग। जय कृष्ण तत्वता सही गुरु होय, मैं गुरु तत्व के विषय पर भी एक चर्चा बाद में कभी करूँगा। तो ये समझिए कि गुरु वो बनेगा जो भगवान कृष्ण को जानता है तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजन, जो मुझे तत्वतः जान जाए वो इसके पीछे नहीं लगेगा। और पहली बात तो कथाकारों ने पैसा लेना ही नहीं चाहिए, अगर कोई कथाकार ले रहा है और बंगला बना के एसी में आराम से बैठ रहा है तो समझ लो उसने आपको ठग लिया है, ठीक है। ऐसे हर संस्था में ऐसे आपको लोग मिलेंगे, हर संस्था में, हर संस्था की बात कर रहा हूँ, किसी भी संस्था में ऐसे नहीं रहेगा जो पैसे पैसे के लिए। एक हमारे एक सीनियर थे, उनको हम मिले तो बोले अरे देखो पहले मैं कुछ नहीं था, आज हमारे पास गाड़ी है, मेरे पास स्पेशल शूज़ है, मेरे पास पैसा है। हम बोले प्रभु जी ये एडवांसमेंट नहीं है, ये तो भौतिक फैसिलिटी है। एडवांसमेंट वो है जब आपको भगवान के प्रति एक विरह आए, आपके आँखों से आंसू आए भगवान का स्मरण करें तो। एनीवेज तो लोगों को ये समझने में भी समय लगता है, इसलिए उनको कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भक्ति क्या है, ये समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग आज देवताओं के ऊपर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन था लोगों का, इसलिए मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि 3-4 दिन से बहुत लोग अलग अलग एंगल से इसी को पिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों भक्तों को उसमें रखा जाए। आइए हम महालक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो महालक्ष्मी जी जो हैं, इनका ब्रह्म संहिता में वर्स आता है, वो कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। जैसे मैंने आपको बताया कि वैकुंठ में बहुत सारे विष्णु रूप हैं, उन सब के साथ लक्ष्मी जी होती हैं, तो वही राधा बन जाती हैं, सीता वही बन जाती हैं, महालक्ष्मी वही बन जाती हैं, गजलक्ष्मी वही बन जाती हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, लक्ष्मी जी के बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी यानी
जो सबसे पहली लक्ष्मी है, भगवान महानारायण की जो लक्ष्मी है, धनलक्ष्मी जो धन देती हैं, जिस रूप में वो धन देती हैं उनको धनलक्ष्मी कहते हैं। इनकी जो पूजा करते थे कि डॉलर गिर रहा होता है, सोने के सिक्के गिरते हैं, तो वो गिरते हैं वहाँ पे, तो उनकी पूजा बनिया लोग बहुत करते हैं, दुकान में दरवाज़ा खोल के रखते हैं, ऐसा कहते हैं कि दरवाज़ा खुला रहेगा तो लक्ष्मी जी आएंगी। और अगर आप ये करते हैं ना, गुरुवार को उनकी उपासना करते हैं, तो लक्ष्मी जी आपके पास भर भर के आएंगी। तो कह रहे हैं वो हो गए धनलक्ष्मी, और वो धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे कष्ट का, तन का कष्ट मिटा दीजिए और धन लाइए, वो नारायण की पूजा नहीं करते। तो हम लोग विधिवत भी देखेंगे कि कैसी पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी की। तो यहाँ पे वो गजलक्ष्मी हो गया। गजलक्ष्मी यानी जब वो समुद्र से आई थी तो दो हाथियों के साथ आई थी इंद्र का उद्धार करने, तो गजलक्ष्मी हुई। संतान लक्ष्मी, अगर आपको पुत्र चाहिए तो संतान लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी, अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आप विजय लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। आर्ण लक्ष्मी, आर्ण यानी समुद्र की बेटी भी कहा जाता है। आर्णव, आर्णव मतलब जो लक्ष्मी का बेटा, ऐसा हो गया, या लक्ष्मी को जो भक्ति करता है वो हो गया। श्रेय लक्ष्मी, श्रेय यानी श्रेया नाम भी रखते, देखे कभी लड़कियों का नाम श्रेय होता है, तो श्रेय यानी जो लकी होता है या फिर जो बहुत ही क्रेडिबल व्यक्ति है, तो श्रेय लक्ष्मी भी है, उनकी उपासना होती है। पद्मा लक्ष्मी, जो कमल में पद्मासन में है, पद्मा में बैठे हुए हैं, कमल लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी, श्री यानी ऑपुलेंस, तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्मियों के नाम हैं। तो यहाँ पे कहा गया है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। कि सहस्त्र लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कितने लोग कर रहे हैं, अनंत अनंत। जैसे हमने आपको कृष्णा चैप्टर में, आप में से जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा होगा तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास पे जाइए, और उस दास उसमें मैंने आपको वो लिख के दे दिया है, वो सारे कृष्ण चैप्टर में मैंने वो सारे भगवान कितने कितने एक्सपांशंस करते हैं, इन्यूमरेबल एक्सपांशंस करते हैं, तो उन सारे इन्यूमरेबल एक्सपांशंस में भगवान लक्ष्मी जी का सब जगह जाती है उनके साथ। तो इसलिए वो जीव तत्व नहीं है, क्योंकि जीव तत्व जो है वो केवल 7 एक्सपांशन कर सकता है, जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो 7 एक्सपांशन कर सकती है, कोई भी कर सकता है। जैसे मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मैं यहाँ बैठ के भी लेक्चर दे सकता हूँ, हो सकता है कहीं और आके भी दे सकूँ, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जीव ने जो विष्णु तत्व है या शक्ति तत्व है, शंभु तत्व है, ये लोग एक्सपांड कर सकते सब जगह। तो कह रहे कल्प वृक्ष के समान है जो चिंतामणि धाम है, उधर भी माँ लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी मतलब इन्यूमरेबल एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। और यहाँ हम भगवान को अपने बटवे से 100 रुपये निकाल के देते और बोलते मैंने भगवान को डोनेशन दिया। तो आपने भगवान को डोनेशन नहीं दिया है, भगवान ने आपको जो दिया है उसी लकड़ी का आपने नोट छापा और नोट छाप के आपने भगवान को दिया। तो ये यहाँ पे आता है। तो इसलिए हमको लक्ष्मी जी की अगर उपासना करना है तो भगवान नारायण के साथ करना चाहिए। तो ये हम देखेंगे, ये आता है श्रीमद् भागवतम में, द लक्ष्मी जी को वर्शिप करने का जो प्रोसेस है वो भागवतम में आता है। और अब ये देखेंगे, मुझे लगता है ये देखने के बाद, मैं सोच रहा था महालक्ष्मी जी कोल्हापुर जो है करवीर वासिनी, हाँ हमारी महालक्ष्मी जी, मुझे आज भी याद है जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था गुरुकुल का, तो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था और ज़मीन भी नहीं था, मतलब समझ लो कि कुछ नहीं था। तो भगवान ही ऐसा करते हैं, अन्नपूर्णा देवी के साथ भी एक बार एक हुआ, जैसे भगवान पे बहुत फेथ हुआ। तो मैं गया था यहाँ से सीधा कहीं से पैसा लेके, मैं महालक्ष्मी मोहला कोई भी प्रोजेक्ट खोलूँगा पहले महालक्ष्मी को मिल के आता हूँ। वैसे तो मुझे कृष्ण पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन महालक्ष्मी से थोड़ा डॉलर्स मांग के आता हूँ कि भैया कम से कम कुटीर बनवा दो। तो आज भी याद है मैं महालक्ष्मी में गया, पूरा आँख बंद करके एक 10 रुपये का गुलाब का फूल कमल का फूल था वो खिल लिया, बोला देख भैया ये दे सकते हैं, लेकिन तू है ना तू इतना ड्रेसेस पहनती सब पहन, एक बजे बस मुझे थोड़ा कुटीर बनवा दे कहीं से, और हो गया 28 दिन में कुटीर बन गया। एंड बाय कृष्णास ग्रेस हमने भगवान को इंस्टॉल किया। तो देवी देवताओं के वजह हम जा सकते हैं, हम क्योंकि हम बच्चे की तरह हैं, वो हमारी माँ की तरह है, वो चाहती है कि बेटा मेरे पास आए। जैसे कोई माँ के पास कोई बच्चा चले जाए उसको बुरा नहीं लगता, शी नेवर टेक्स लोड, वो कोई लोड नहीं लेती है या वो कोई दुख नहीं लेती कि अरे क्यों मेरे को वो करती हो, वैसा कोई लेता नहीं है। यहाँ पे अजिताभ जी कह रहे हैं कि प्रभु जी काउडंग में भी लक्ष्मी जी 8 प्रकार की लक्ष्मी होते हैं, ऐसा उसका पास टाइम है, एक लीला भी है। ऐसे तो लक्ष्मी जी बहुत सारी लीलाएं हैं,
बहुत सारी लीलाएं हैं, अगर आप सुनेंगे तो महालक्ष्मी का लीला सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि भृगु मुनि ने क्या किया था, भृगु मुनि गए और उन्होंने जब टेस्ट किया तो ब्रह्मा जी को टेस्ट किया तो उनको गुस्सा लाया, शिव जी को भी टेस्ट करके गुस्सा लाया, और यहाँ विष्णु के छाती पे सीधा लात मार दिया। वो जो छोटा सा पाँव का चिन्ह देखते हैं विष्णु मूर्ति में, हमेशा होता है, आपने देखा होगा हर विष्णु मूर्ति में पाँव का चिन्ह होता है, यहाँ पे वो भृगु का होता है। भृगु मुनि साधारण नहीं है, आज भी आप करौली जाओगे तो उनके वंशज हैं, उनके शिष्य हैं जो आते हैं और आपको सारा बता देते हैं। आप आते ही बता देते हैं आपका नाम ये है, आप इस घर से हैं, आप इस गांव से हैं, आपका पिछला जन्म ये था, आप इतने साल इस जन्म में रहिएगा, आपके साथ ये होगा, सब बता देते हैं। तो भृगु मुनि उस लेवल के थे, तो उनके हाथ से जब मार खाया तो विष्णु बोले, अरे कहीं तुम्हारे पाँव फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, पाषाण जैसे मेरे हृदय पर लग गया। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, वहाँ खड़ी थी ना, वो बैठी थी, सेवा कर देखा मेरे पति को ऐसा किया, तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया, जाओ तुम्हें, तुम ब्राह्मण कभी कितना भी कमा लोगे, धन धन दौलत ले लोगे, तुमको कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा, धन कितना भी कमा लोगे तुमको शांति नहीं मिलेगी। सीता माता ने भी गया के ब्राह्मणों को वो श्राप दिया था, वो भी एक लीला है, कभी हम लोग जब अलग अलग तीर्थ स्थानों का लीला सुनेंगे तब हम लोग जरूर उस सारे विषयों को मतलब हम लोग चर्चा करेंगे। सीता माता ने जब गया में जाके पिंडदान किया था, फिर भी बता देता अभी नाम लिया है तो सीता माता ने जो पिंडदान किया तो वहाँ पे सामान लाने गए प्रभु राम, तब तक दशरथ बोले अभी का अभी पिंड चाहिए, तो वहाँ के ब्राह्मण ने मट्टी का पिंड बना के माँ सीता के हाथ से पिंडदान करवा दिया। कई लोग पूछते हैं माता जी लोग पिंडदान कर सकते हैं, सीता माता ने किया था, दशरथ का हाथ बाहर आया, आज भी वो हाथ है जिससे उन्होंने वो पिंडदान एक्सेप्ट किया। तो राम ने प्रभु राम ने पूछा तो ब्राह्मण डर गए कि अभी बोल देंगे तो राम हमको कहीं वो ना कर दें, हमको हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा, तो उन्होंने मना किया। गाय ने देखा तो गाय से पूछा, सीता माता बोली तुम तो विटनेस हो, तो गाय ने भी नहीं कह दिया, तुलसी ने नहीं कह दिया, तो नदी ने फल्गु नदी वहाँ से बहती है उसने भी नहीं कह दिया, तो वहाँ एक वट था अक्षय, उस वट को, उस वट ने कहा नहीं मैंने देखा है, माँ सीता ने किया, दशरथ जी आए थे तो वट के प्रमाण से, तब माँ सीता ने वट को बोला जाओ अक्षय वट, यहाँ जो भी गया में आएगा और तुम्हारे वट के नीचे वो जो भी इच्छा मांगेगा मैं पूरा कर दूंगी। तो इसलिए आज भी जब पिंडदान होता है तो अक्षय वट के नीचे भी एक बार किया जाता है ताकि पितरों का उद्धार हो। और फल्गु नदी को बोल दिया कि तुम कभी जमीन से नहीं बहोगी, तुम नीचे से बहोगी, तो आज भी आप गया जाइएगा तो ऊपर से पानी नहीं रहता, नदी को ऐसे खोदिएगा, एक हाथ खोदिएगा पानी नहीं दिखता है, ऊपर से क्रिकेट खेलते बच्चे, ये मॉडर्न साइंस का बुद्धि है ना, फट जाएगा, मॉडर्न साइंस का तो दिमाग नहीं चलेगा ऐसी जगह। और गौ माता को बोला जाओ तुम्हें मैंने इतना अच्छा स्थान दिया लेकिन तुम कभी कभी कचरा खाओगी, इसलिए कभी कभी गौ माता जो कचरा भी खा लेती हैं। तुलसी को कहा जाओ तुम ऐसे ऐसे जगह करोगी जहाँ तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा, तो कभी कभी अनवांटेड जगह कचरे वाले जगह पे भी तुलसी महारानी का उगम हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को कहा जाओ तुम कितना भी कमा लो लेकिन तुम जो है कभी समाधानी नहीं रहोगे, इसलिए आज भी आप गए के ब्राह्मण को देखेगा और 2000 दीजिए 3000 दीजिए ऐसा उतना लिया। मेरे एक बार मेरे रिलेटिव गए थे तो मैं गया था उनके साथ, पिताजी गए थे तो मैं वो बटवा पकड़ के बैठा था, पिताजी कर रहे थे तो पिंडन, तो उनको दक्षिणा है इतना देना देना, तो मैं बोला इतना आप ले लिए ये जाता कहाँ है, मतलब आप लोगों का खर्चा कुछ नहीं, यहाँ खाना पीना तो यही मेजबान लोग कर देते। बोलते अरे आज तक पता नहीं सीता माता जो श्राप दिया है ना सच हो, कहाँ जाता है पैसा किसी को पता नहीं, हम लोग वैसे के वैसे बस घर है रहने का, अभी ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ऐसा है, तो लक्ष्मी जी हैं, माँ सीता जो है वो लक्ष्मी के स्रोती हैं, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग राधिका का वर्णन करेंगे तत्व में, तब हम उसमें जाएंगे कौन किधर से आता है। तो अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये लक्ष्मी जी, और तो मैंने आपको लक्ष्मी जी का नहीं बताया कि लक्ष्मी जी जब भृगु मुनि ने मारा तो गुस्सा होके कोल्हापुर आके तपस्या करने लगी, कोल्हापुर की अंबाबाई बोलते हैं उनको, वहाँ जाती है और तपस्या करती है। तो वो बहुत ही, अगर आप लोग कभी फॉर्चुनेट है तो जाइए, रोज़ तिरुपति बालाजी से हार आता है लक्ष्मी जी के लिए। तो ये लॉकडाउन है लेकिन मेरे को कंफर्म है वो मंदिर वाले बराबर कुछ ना कुछ रखे होंगे, कोई आदमी घोड़े से वो हार को लेके आता होगा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे सेवा किया जाए, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इफ वन डिज़ायर्स ऑल ऑपुलेंस हिज ड्यूटी इज़ टू डेली वर्शिप लॉर्ड विष्णु विथ हिज वाइफ लक्ष्मी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समृद्धि चाहिए तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करिए, अलग से लक्ष्मी की पूजा करना अपराध है। जैसे किसी भी लड़की को जाके तुम बात करो और उसके बाप से या उसके परिवार से उसको अलग करके उसको फंसा के भुतला के अपने प्रेम के जाल में फंसा के उसको ले जाओ, हाँ यही तो, इसी की वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम वर्णाश्रम पालन करेंगे
तो ये हम ये जो लड़कियों स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है कभी नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कभी कभी बार होता है ये लव जिहाद के नाम पे लड़कियों को फंसा लेते फिर शादी करके बेच देते हैं। क्योंकि एक एनालिसिस आया था कि जो ड्रंकर्ड होते हैं उनकी किडनियाँ तो काम की होती नहीं, जो बच्चे होते हैं उनकी किडनियाँ काम की होती नहीं, तो ये जो टेंडर एज के लड़के लड़कियाँ होते हैं इनके काम की होते हैं, उसमें भी लड़के सिगरेट दारू पीते हैं, लड़कियाँ नहीं करती, उनको उठाओ, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। तो नो, ये इसलिए वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो ऐसे पापी लोगों से भी बच जाएंगे। हाँ, ये प्यार में जाना, किसी के प्यार में फंस जाना एकदम गलत है, ना फंसाना चाहिए ना फंसना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर किसी को ऑपुलेंस चाहिए यानी बहुत ज़्यादा समृद्धि चाहिए, प्रभु जी मुझे समृद्धि चाहिए, हाँ, तो उसमें भी कहा है कि आप विष्णु के पास जाइए ना, लेकिन लक्ष्मी के पास, विष्णु लक्ष्मी का जोड़े के साथ आप सेवा करिए। हाँ, जैसे कोई घर में प्रवेश होता है तो सत्यनारायण की पूजा होती है, सत्य भगवान का एक विष्णु फॉर्म है और सत्यनारायण और भगवान का उधर वर्शिप होता है, तो वैसे ही ये जो वर्शिप है विष्णु का वो करिए। विथ ग्रेट डिवोशन वन शुड वर्शिप हिम अकॉर्डिंग टू द अबाउ मेंशन प्रोसेस। हाँ, वो जो भी प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस के हिसाब से आप करिए। वो कहते हैं कि वो जो आप जो है वो यज्ञ करिए और उसमें ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को जप करके आप, अगर आप ये मंत्र का यज्ञ नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़, इसमें लिखा है कि आप रोज़ विष्णु और लक्ष्मी जी को दंडवत करके, दंडवत करके उनसे आप ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब ये मंत्र 10 बार बोल के उनसे जो भी आपको रिक्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। ये विधि है, अगर आप ऐसे ही जाके बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा, हर चीज़ का एक विधि होता है। तो जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आप एक्चुअली उनको आह्वान करते हैं, इसको बीज मंत्र बोलते हैं, हर चीज़ का एक बीज मंत्र होता है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ये 6 स्कंद के 19वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये मंत्र आता है। वो श्लोक ऐसा है, हविशेषम चुहुयान अनले देवा देवदासाहुति ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति। तो एक्चुअली मंत्र टोटल ऐसा है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। तो स्वाहा जो है वो एक्चुअली बेसिकली अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए कोई भी यज्ञ में हम लोग मंत्र देते तो पहले स्वाहा को देते, माताजी को देते, माताजी अग्नि को देती हैं, अग्नि जो है आगे बांटते हैं। क्योंकि अगर किसी, जैसे आप अभी लक्ष्मी को दे रहे हैं तो फिर माताजी अग्नि को नहीं देगी, स्वाहा जो है जाके सीधा लक्ष्मी को देगी, माताजी को दे सकती है। कल्चर है भैया, देवी देवताओं में भी ये कल्चर है। हाँ, ये नहीं है कि टुडे यू नो आई जस्ट फेल लाइक बीइंग विद इंद्रास वाइफ, यू नो ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा, अंकित जी कह रहे हैं कि ये कोल्हापुर जो है मेरे सेकंड घर की तरह है, बराबर है। तो यहाँ पे वो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जब करेगा तो बहुत ज़्यादा उसको पावर ऑपुलेंस आने का संभावना है। हाँ, और कैसे करना है, प्रणमे दंडवत भूमौ, कि प्रणाम करके दंडवत, यानी हम लोग बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मतलब दंड, मतलब दंड यानी ऐसा डंडा ठक करके जो आप गिरते हैं तो डंडा कैसे आपको उसको छोड़ दो टक करके गिरता है, वैसे हमको भगवान के सामने हमारे इष्ट के सामने दंड के प्रमाण गिरना चाहिए। ठीक है, दंडवत प्रणाम हो गया, तो दंडवत करिए। अब भक्ति प्रहणे न चेतसा, और आपकी चेतना में भक्ति भाव रखिए, लोभ भाव मत रखिए, वरना वही चीज़ आपको डुबा देगी। दशवारम, कितने बार, एक बार नहीं, दशवारम जपेन मंत्रम, वो मंत्र को जप करिए जो भी आपको बताया, ततः स्तोत्रम उदीरयेत, और फिर ये मंत्र आप बोलिए, ये इसलिए ये बताया गया है। और फिर ये स्तुति जो है आप उसमें प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करना है, आप इस भाव से प्रार्थना कर सकते हैं, माय लॉर्ड विष्णु एंड मदर लक्ष्मी, गॉड इज़ अ फॉर्च्यून, यू आर द प्रोपराइटर ऑफ एंटायर क्रिएशन, हे महा, हे लक्ष्मी, हे विष्णु, आप पूरे सृष्टि के जननी हैं, इंडीड यू आर द कॉज ऑफ द क्रिएशन, आप जो हैं इस सृष्टि के असली मूल कारण हैं, मदर लक्ष्मी इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज शी इज सो पावरफुल दैट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हर पावर इज सो डिफिकल्ट टू ओवरकम, माँ लक्ष्मी को समझना आसान नहीं है, मदर लक्ष्मी इज रिप्रेजेंटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड एज द एक्सटर्नल एनर्जी, वही लक्ष्मी इस भू जगत में एक्सटर्नल एनर्जी यानी माया देवी के रूप में काम करती है, वो दुर्गा बन जाती है। मैंने आपको कल बताया भगवान विष्णु जो है शंभु बन जाते तो ये दुर्गा बन जाती है, बट एक्चुअली शी इज़ ऑलवेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, वो बाहर से दिखाती है कि मैं बाहर वाली हूँ लेकिन वो अंदर हैं।
अभी समय कम है, वरना अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें पूरा आगे लिखा है कि कैसे पति पत्नी को साथ में, अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको विष्णु लक्ष्मी की सेवा करनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पति पत्नी मिल के, आगे जो पूरा प्रोसीजर है कि कैसे सुबह उठना है, हाँ सेवा करना है, उनको अर्घ्य दिखाना है, भोग दिखाना है, फिर आपको प्रसाद लेना है, ये सारा गृहस्थों को करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो पत्नी को बिना किसी मेहनत के वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी और पति को ये सेवा करके भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझिए। अक्षय वाइकर करें मार्गशीर्ष में बहुत सारी महिलाएं चार गुरुवार करते हैं और वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र में मैंने देखा है हल्दी कुंकू समारंभ होता है, हर गुरुवार को ऐसे लगाएंगे। साल भर ये अम्मा लोग तो क्या क्या मुर्गा काट के खाएगी, सब करेगी, लेकिन लास्ट में हल्दी कुंकू कशे आहात बरे ना बेस ना सगण होय होय लगाएंगे, है ना। नहीं नहीं, तो अच्छा है रहता है, इससे अच्छा है ना व्हाट्सएप में चैटिंग करने से अच्छा है। ये लोग महिलाएं मिलती हैं चार हफ्ते में, जो भी बड़बड़ 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 करना होता है, क्योंकि महिलाओं को बड़बड़ तो ऐसे समझ खत्म होता नहीं, तो वो उधर चलते रहता है ना, इससे इनको डिप्रेशन नहीं होता। तो ये अगर कोई गृहस्थ है तो उसको विष्णु और लक्ष्मी को साथ में सेवा करना चाहिए, यहाँ पे बताया, तो उनको अच्छी संतति प्राप्त होगी, अच्छे बच्चे प्राप्त होंगे, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, जो आप भगवान की ही सेवा में लगा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, हमें ये धन मिला हुआ है, हमारे वैदिक ज्ञान में ये सब मार्ग दिए हुए हैं। कम से कम हमके हुले लिया करके किसी फादर के पास तो नहीं जाना पड़ता, जिसे खुद कुछ पता नहीं, नन के साथ अफेयर करके फिर आपको ज्ञान देगा, वो किस काम का। हाँ, और हमारे वैदिक प्रथा में ना, ये जो वेस्टर्न स्टाइल से है ना कि एक गुरु है प्रोमिनेंट कर दिया फिर उसके माध्यम से पूरी दुनिया को उल्टा बना, ये गलती से भी नहीं करना। हमारे इसमें अनंत विद्वान लोग हैं, सबसे ज्ञान लेना, सबको अपना गुरु मानते हुए एक निष्ठावान गुरु रखना, सबसे ज्ञान लेके अपने जीवन को बिताना। ये नहीं कि कोई एक बापू है जो कुछ बोल दिया तो उसके चक्कर में फंस गए, हाँ ऐसे मत करना। कोई एक राधे माँ है जो अपने खुद ही उसको पता नहीं कहाँ से आई है, हाँ मीडिया के सामने रोध होके उल्लू बनाती है, ऐसे मत करना। हम लोग वेद, हमारी माँ वेद है, वेद हमारी माँ है, समझिए, वेदों के माध्यम से भगवान को समझिए, किसी के भी मुख से अर्धज्ञानी व्यक्ति से मत सुनिए, मेरा आपसे अनुरोध है। तो आज हमने महालक्ष्मी जी का देखा और अभी हमारा महालक्ष्मी का चैप्टर भी बच गया है, तो कल मैं और एक सेशन ले लूँगा देवताओं के ऊपर, फिर मैं आपको गीता का वो दूंगा। तो कल मैं आपको करवीर वासिनी महालक्ष्मी जी का भी लीला बता दूंगा, थोड़ा सरस्वती जी का और गणेश जी का कुछ हमको और चर्चा करना है, और फिर डेमिगॉड्स के चैप्टर को कंक्लूड करना है। मुझे लगा आज कंक्लूजन हो जाएगा पर आज नहीं हुआ है, तो कल मैं इसको कंक्लूड करूँगा। तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आज हम श्री सूक्त गाएंगे, हमारे जो डिवोटीज़ हैं ये सारे अभी आएंगे और हम लोग श्री सूक्त गाएंगे, और श्री सूक्त ये जो है माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। ये सूक्त का मूल जो भी है, आपको अगर आपको सारे सूक्त चाहिए, सारे यज्ञ के मंत्र चाहिए ऑथराइज्ड, तो ये मायापुर एकेडमी, आपको रिवर्स में दिख रहा होगा, ये मायापुर का वैष्णव सूक्त, ये भक्तिवेदांत एकेडमी है, गुरुकुल है वहाँ पे, उधर ये सारे ये जो ग्रंथ हैं, दिख रहे हैं आपको ये सारे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको बाद में भी कभी खरीद सकते हैं। ये दो ग्रंथ हैं, एक में है, इसमें है सारे यज्ञ के मंत्र हैं जो सब सारे, मतलब विवाह या मंत्र, जन्म लिया, कोई संन्यास भी ले रहा है तो उसके सारे मंत्र इसमें हैं, और इसमें सारे सूक्त इत्यादि हैं, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, नारायण सूक्त, पुरुष सूक्त और इत्यादि जितने हमारे शास्त्रीय ज्ञान हैं वो सारा इसमें है। परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज, जो मैं कह रहा हूँ इस प्लैनेट में अगर कोई विद्वान है तो उनमें से भक्ति विद्यापूर्ण महाराज हैं, जो आकाश के ऊपर प्रव्योम का चीज़, भू का चीज़, जमीन के नीचे का चीज़ सब जानते हैं, 10 दिशा का ज्ञान उन्हें है, उन्होंने गुरुकुल खोला, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एक ज्यूश कम्युनिटी से थे और उन्होंने बचपन में मोजेस के मूवी में भी एक्टिंग किया था, तो कहते हैं, और उनको ये पता ही नहीं था कि वो यहाँ लैंड अप हो जाएंगे, और इतने बड़े विद्वान हैं और वो केवल एक धोती कुर्ता पे अपना जीवन बिताते हैं, ना उनका कोई मोबाइल है ना कुछ है, इतने विद्वान हैं और इतने सरल जीवन जीते हैं, उनका अपना गुरुकुल है, बच्चों को सिखाते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने भी ये ट्राई किया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, तो इसमें ये सारे सूक्त भी आपको मिलेंगे ऑथराइज। कभी कभी आप गूगल पे जाते हैं तो कोई आपको 2 श्लोक देता है, कोई 4 श्लोक एक्स्ट्रा देता है, कोई कम देता है, ऐसा है। तो अभी जो हमारे डिवोटीज़ हैं वो गाएंगे, ठीक है ना, मैं इनकी तरफ कैमरा कर देता हूँ, ये रोज़ सुबह गाते हैं,
तो श्री सूक्त तो रेगुलर हमारे रीडिंग में रहता है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको भी गाते हैं। तो अगर आप में से कोई गूगल में भी जाके तब तक टाइप करके खोज सकता है, तब तक हम यहाँ पे। तो एक्चुअली श्री सूक्त में कहा गया है, अंत में कहा गया, देखिए, श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जप विनियोग। वो कह रहे हैं कि महालक्ष्मी का प्रसाद, मतलब महालक्ष्मी जी को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, प्रसाद यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये विनियोग, मैं ये रट रहा हूँ। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, अगर इसमें कोई गलती भी है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप भाव में गाइए, ताकि कुछ गलती भी हो जाए तो माँ लक्ष्मी हमें अपराधों से माफ़ कर देंगी। और हमारे छोटे जैसा बच्चा तोतला भी बोलता है तो माँ जो है वो स्वीकार कर लेती है, तो क्यों हम उसी भाव में गाएं। अभी जो अजिताभ शेट्टी जी ने कमेंट में भी लिखा है, तो कृपया करके उस कमेंट से भी आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं इन बच्चों को तरफ कैमरा कर देता हूँ, क्योंकि ये इतना मेहनत से गाते हैं। हमारे करुणा अवतार प्रभु हैं, श्याम प्रभु हैं, आपको पता नहीं कितना दिखाई दे रहा होगा, पर ये सब हैं अभी। हरे ओम हिरण्यवर्णम हरिणिम सुवर्ण रजताश्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंध्येयम गामश्वाम्बुरुशानहम अश्वापूर्णम रथा मध्यम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियं देवीं उपवये श्रीर्मा देवीर्जुष्टतां काम सोमशितं हिरण्यप्रकारं आर्द्रं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वं इहोपवये श्रियं चंद्रां प्रभसां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके द्वेज दुष्टं उदारम् तं पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्ने शतं त्वं वृणे आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु मान्त्रयस्य च भाया लक्ष्मीः उपायितो मां देवशखः कृतिश्च मनिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृतिं वृद्धिं ददातु मे शुत्पिपश्यमालां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान्निन्द्रुद्ध मे गृहात् गन्धधारां दुरादर्शां नित्यपुष्टं करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामो इहोपवये श्रियम् मनसा कामम अकुतिम वाचा सत्यम असीमहे पशूनां रूपमनस्य मयि श्री श्रतामसः कर्दमेना प्रजेत भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं विद्वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लिता वशमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करणीं व्यष्टिं पूर्णां मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह तामां करणीं व्यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विद्येयं पुरुषानहम् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे कृष्णा। तो हमने ये सुंदर जो गीत गाया, ये सूक्त है, श्री सूक्त माँ लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। अभी हम थोड़ी देर के लिए एक हरि कीर्तन करेंगे। शाम जो है जानबूझ के फ्रेम के बाहर जा रहा है, लेकिन इसको हम अंदर लाएंगे। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल बोलो युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये कह दूं कि जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमको प्रामाणिक होना चाहिए, हमको ढोंगी नहीं बनना है। प्रामाणिकता से आप भगवान का शरण लीजिए, भगवान आपको प्रामाणिक लोगों से मिलवाएंगे, और आप अप्रामाणिक रहेंगे तो आप अप्रामाणिक लोगों से ही मिलेंगे। तो वैदिक प्रथा में भी प्रामाणिक लोगों से करने से भक्ति हृदय में आती है और भगवान के पास जाने का हमारा चांस है वो और नज़दीक जाने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, महालक्ष्मी जी की करवीर वासिनी का कथा सुनेंगे, फिर सरस्वती जी के कुछ तत्वों को समझेंगे, गणेश जी को समझेंगे, कुछ और देवी देवताओं का भी वर्णन करके कल हम डेमिगॉड्स टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और फिर हम परसों गीता का पूरा स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जो आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा ठीक से, वो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको 18 अध्याय कंठस्थ हो जाएंगे, इतना आसान है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।